हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा की दुनिया में स्वागत है। आज है सैटरडे, मैं जा रही हूँ सैटरडे में बनने वाली अधिकतर सभी के घरों में बनती है ये खिचड़ी चोखा। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पहले से ही दाल को कुकर में गला लिया था, अब मैं इसे पानी में डाल दूँगी। हमारे यहाँ जिस तरह से खिचड़ी बनती है मैं उसी तरह से आप लोग को दिखाऊँगी। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल को हमें डालकर चला लेना है ताकि चावल हमारा चिपके नहीं तो इससे खिचड़ी जल भी सकती है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। अब मैं जा रही हूँ चोखा की तैयारी कर लेती हूँ। जहाँ मैंने चार आलू लिया है इसे मैं बीच से काट लूँगी। अच्छे से धोकर मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। उसी कुकर में मैं डालूँगी जिसे मैंने दाल को सिझाया था। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसे हमें चढ़ा देना है। यहाँ मैं जा रही हूँ खिचड़ी के लिए मसाला तैयार कर लूंगी। जहाँ मैंने दो प्याज दो हरी मिर्ची ली है इसे मैं फ्राई कर लूंगी गोल्डन फ्राई। ये हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें एक चम्मच काली मिर्च डालूंगी, एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, हल्का सा जीरा, डालकर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। यह हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे खिचड़ी में डाल देना है। यह हमारा खिचड़ी भी बन चुका है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। 95% खिचड़ी हमारा बन चुका है। उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी। यहाँ हमने गैस बंद कर लिया है। गैस बंद कर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी निकाल ली अपने छोटे बेटे के लिए। उसको मसाले वाली खिचड़ी पसंद नहीं है, उसके लिए निकाल कर ही मैं मसाला डालूंगी। हमारे घर में खिचड़ी सबको पसंद है, इसलिए मैं सैटरडे को अधिकतर बनाती हूँ। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। सबका घर में अपना अलग अलग बनने का तरीका होता है गाइस, हमें अपने अपने तरीके से बनाना चाहिए और शेयर करना चाहिए ताकि हमें कुछ नया सीखने का मौका मिले। यहाँ मैंने मसाला को भी डाल दिया है। अब मैं इसे करीबन हल्की आंच में 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसमें हल्का मसाला लगा हुआ था गैस कढ़ाई में, मैं उसी को घोल कर भी इसमें डाल दूंगी ताकि मसाला हमारा वेस्ट न जाए। यहाँ हमें इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है बनकर। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। मैं जा रही हूँ तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सरसों तेल लिया है, इसमें मैं एक चम्मच जीरा डालूंगी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लूंगी जिससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे हमारा तेल ज़्यादा गर्म हो चुका था गाइस। अब मैं तड़का लगा लूंगी। यहाँ खिचड़ी बनकर हमारा रेडी हो चुका है।
देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है गाइस। एक बार आप लोग भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं जा रही हूँ चोखा बना लूंगी। यहाँ मैंने हरा मिर्च और दो प्याज लिया है, एक प्याज, नमक, सरसों का तेल। इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आप लोग अपने घर में किस तरह से चोखा बनाते हैं गाइस? अब मैं जा रही हूँ चटनी बना लूंगी। यहाँ मैंने पोस्तदाने की चटनी बनाई थी। अब मैं पापड़ तल लूंगी, आलू चिप्स पापड़। इसके बाद मैं थाली लगा लूंगी। कैसे लगा हमारा रेसिपी गाइस? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में बने रहिएगा। हमारे घर में जो बनता है मैं वही शेयर करती हूँ गाइस, मैं अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल और तिल का बना हुआ, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं गाइस, आप लोग इसे क्या बोलते हैं बताइएगा गाइस।